नमस्कार, मैं अभिनय आकाश और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्रभास साक्षी के स्पेशल शो मोस्ट रिलायबल इन्फॉर्मेशन यानी MRI। एक जमाना ऐसा था जब पंजाब देश का सबसे अमीर और विकसित राज्य हुआ करता था। अगर ऐसा था तो क्यों पंजाब के नौजवान ने हथियार उठाए? क्यों हिंदुस्तान से अलग पंजाब में एक देश की आवाज उठी, खालिस्तान की आवाज उठी, और क्यों उग्रवाद में हजारों लोगों की मौत हो गई? 1 जून को पंजाब में लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण में मतदान होना है, लेकिन 1 जून का दिन 2 महत्वपूर्ण घटनाओं की सालगिरह का दिन भी है। इन दोनों ही घटनाओं ने राज्य के हालिया इतिहास और राजनीति को प्रभावित किया है। दोनों घटनाओं का परोक्ष या अपरोक्ष रूप से राजनेताओं के द्वारा अपने चुनावी अभियान में मतदाताओं को स्मरण कराने के लिए उपयोग किया जा रहा है। 1 जून को अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में खालिस्तानी आतंकवादियों को बाहर निकालने के लिए भारतीय सेना के ऑपरेशन ब्लू स्टार की शुरुआत की 44वीं वर्षगांठ होगी। सिखों के सबसे पवित्र मंदिर पर हमले से भारत के प्रधानमंत्री की हत्या और दिल्ली और अन्य स्थानों में सिख विरोधी दंगे, अभूतपूर्व संगठन हिंसा, खूनी घटनाओं की श्रृंखला शुरू हो गई थी। इस घटना के वर्षों बाद 1 जून को सिखों के जीवित गुरु माने जाने वाले गुरु ग्रंथ साहिब स्वरूप की एक प्रति फरीदकोट के एक गुरुद्वारे से चोरी हो गई, जिसके कई घटनाएं हुई जिस पर पंजाब की राजनीति पर गहरा प्रभाव पड़ा। 1 जून 1984 ऑपरेशन ब्लू स्टार। कैबिनेट मंत्री प्रणब मुखर्जी सहित विभिन्न हलकों की आपत्तियों के बावजूद इंदिरा गांधी ने 1984 के मध्य में स्वर्ण मंदिर में सैन्य कार्रवाई को अधिकृत किया। 29 मई तक पैरा कमांडो द्वारा समर्थित मेरठ में 9वीं इन्फेंट्री डिवीजन के सैनिक अमृतसर पहुंच गए। उनका मिशन आतंकवादी विचारक जर्नैल सिंह भिंडरावाला और उसके अनुयायियों को बाहर निकालना था, जिन्होंने मंदिर के आधार स्थापित किया था। 1 जून के मंदिर के पास निजी इमारतों पर कब्जा कर चुके आतंकवादी और CRPF कर्मियों के बीच गोलीबारी में 11 नागरिकों की मौत हो गई। इंदिरा गांधी ने स्वर्ण मंदिर में सेना भेजने का फैसला किया। कोड वर्ड रखा गया ऑपरेशन ब्लू स्टार। एक तरफ बातचीत का न्योता दिया गया, दूसरी तरफ पंजाब की सारी फोन लाइन काट दी गई। मेजर जनरल कुलदीप सिंह बरार की अगुवाई में सेना स्वर्ण मंदिर की ओर बढ़ी। 1 जून को पाकिस्तान से लगती सीमा को सील कर दिया गया। 5 जून को सेना की कार्रवाई होती रही। 6 जून को तय किया गया कि अकाल तख्त में छुपे आतंकियों को निकालने के लिए टैंक लगाने होंगे। उसके बाद फौज के विजेता टैंकों ने मंदिर के बाहरी दीवार को तोड़कर ताबड़तोड़ बमबारी की, जिससे आतंकियों को काफी नुकसान हुआ। इस अंतिम हमले में सुबेग सिंह, अमरीक सिंह और भिंडरावाला मारे गए। ऑपरेशन ब्लू स्टार 10 जून तक चला और उसने जीवन, संपत्ति, भावनाओं पर भारी असर डाला। ऑपरेशन में सिखों की अस्थायी सीट अकाल तख्त को नष्ट कर दिया गया। 83 सैनिक मारे गए और 248 घायल हुए। मरने वाले आतंकियों की संख्या 492 रही। हालांकि आज भी इस बात को लेकर बहस है कि मरने वालों की संख्या काफी ज्यादा थी और सेना या आतंकियों की कार्रवाई में मारे गए थे। अकाल तख्त को भी भारी नुकसान हुआ। हालांकि बाद में सरकार ने अकाल तख्त को बनवाने की पेशकश भी की, लेकिन सिख समुदाय ने सरकार के इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर खुद ही अकाल तख्त को दोबारा बनवाया। बहरहाल 6 जून की देर रात भिंडरावाले की लाश सेना को मिली और 7 जून को ऑपरेशन ब्लू स्टार खत्म हो गया। बरगाड़ी बेअदबी कांड। फरीदकोट के बुर्ज जवाहर सिंह वाल स्थित एक गुरुद्वारे से गुरु ग्रंथ साहिब का एक स्वरूप गायब होने के बाद पूरे पंजाब में व्यापक रूप से विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। गुरुद्वारे के पीछे एक बड़े जलाशय को खाली करने सहित व्यापक खोज की गई, लेकिन स्वरूप नहीं मिला। दरअसल 1 जून 2015 को बरगाड़ी से सटे गांव बुर्ज जवाहर सिंह वाला के गुरुद्वारा साहिब से पावन ग्रंथ का स्वरूप चोरी हो गया। इसके बाद 24-25 सितंबर 2015 की रात को गांव बुर्ज जवाहर सिंह वाला में ही गुरुद्वारा साहिब के बाहर अश्लील शब्दावली वाला पोस्टर लगाकर पुलिस प्रशासन व सिख संगत को चुनौती दी गई। पावन ग्रंथ की चोरी व पोस्टर लगाने का मामला का कोई सुराग ढूंढने में पुलिस को सफलता हाथ नहीं लगी। वहीं पोस्टर लगाए जाने के कुछ ही दिनों बाद बरगाड़ी में पावन ग्रंथ की बेअदबी कर दी गई। इस मामले में सिख संगठनों और संगत ने कोटकपुरा और बरगाड़ी से सटे गांव बहबल कला में भी धरना दिया। इसी धरने के दौरान 14 अक्टूबर 2015 को पुलिस की गोलीबारी में गांव नियामी वाले की किशन भगतवान सिंह और गांव सरोवर के सुगुरजीत सिंह मारे गए। वहीं बहबी कला से पहले कोटकपुरा के मुख्य चौक में भी चल रहे रोष धरना को पुलिस ने बल प्रयोग करते हुए उठवाया और पुलिस के लाठीचार्ज से करीब 100 लोग घायल हो गए। इन घटनाओं के पहले चरण की जाँच का काम पंजाब पुलिस ने संभाला और बहबल कला गोलीकांड की घटना सामने आने पर उस वक्त के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने केस की जांच के लिए पंजाब पुलिस के डायरेक्टर ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन इकबाल प्रीत सिंह सहोता की अध्यक्षता में SIT बनाने और पूरे प्रकरण की न्यायिक जांच के लिए जस्टिस जोड़ा सिंह की अध्यक्षता में न्यायिक आयोग का गठन करवाया। जांच के दौरान बरगाड़ी कांड में डेरा प्रेमियों के शामिल होने की बात भी सामने आई, जिसके बाद पुलिस ने कोटकपुरा के अलग इलाकों में छापेमारी भी की और वहां डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम के शिष्यों को अपने साथ भी ले गई। उस वक्त गिरफ्तार किए गए डेरा अनुयायियों ने पुलिस के सामने खुलासा किया कि उन्होंने पावन ग्रंथ के अंग खंडित कर कोटकपुरा के ड्रोन में फेंके थे।
बरगाड़ी कांड में सिरसा स्थित डेरा सच्चा सौदा से हथियार मुहैया कराए गए थे, लेकिन पंजाब पुलिस की तरह ही एसआईटी को भी इस केस में नाकामी हासिल हुई। नवंबर 2015 में सीबीआई के हवाले कर दिया गया इसे। इन घटनाओं की जांच सीबीआई के पास थी, इसलिए एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट सीबीआई को दे दी। डेरा अनुयायियों से जेल में पूछताछ हुई, लेकिन सीबीआई की तरफ से कोई चार्जशीट दाखिल नहीं की गई, जिसके चलते मोहाली के सीबीआई कोर्ट से सितंबर 2018 को इन्हें जमानत मिल गई। सीबीआई को इस केस में कोई खास सफलता नहीं मिली। तो आज हमने आपको पंजाब और 1 जून के कनेक्शन की कहानी बताई। आज के लिए दी इजाजत। ऐसे ही रिपोर्ट्स को देखने के लिए देखते रहे प्रभा साक्षी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।